नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। मैं आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूँ, जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल साइंस, यानी हमारे जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है खासकर हमारे कॉम्पिटिशन क्लासेस जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जो नेशनल सिंबल है, साइन है वो, और उनकी क्या डिटेल्स है। जो हमारा नेशनल सिंबल है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसमें तीन शेर है, चौथा शेर दिखाई नहीं देता, ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे सारनाथ में जो स्थित है अशोक का सिंह स्तंभ, उससे उसी का जो टॉप वाला भाग है उसी की ये कॉपी है, उसी की रिप्लीकेशन है। भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय सिंबल है, जो नेशनल सिंबल है, वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एडॉप्ट किया था, और इसी प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये जो लाइन है, ये लाइन देवनागरी लिपि में अंकित है वहां पर, और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया था। ये जो हमारा नेशनल सिंबल है, राष्ट्रीय प्रतीक है, इसके कई अलग अलग कलर में उपयोग किए जाते हैं, कई वर्जन उपलब्ध हैं जैसे, लेकिन इसका सभी उपयोग नहीं कर सकते। जैसे हमारे भारत के जितने भी मंत्री हैं वो इसके ब्लू कलर का उपयोग कर सकते हैं, और राज्यसभा के जो मेंबर है इसके रेड कलर का उपयोग करते हैं, जबकि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो इसके ग्रीन कलर का उपयोग कर सकते हैं, और जो हमारे जितने भी सीनियर अधिकारी है वो इसी के लाल कलर का उपयोग कर सकते हैं। हमारे जो नेक्स्ट नेशनल साइन है, मतलब राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में मेनली तीन कलर होते हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है, ट्राई कलर कहा जाता है। इसमें जो टॉप वाला कलर होता है वो होता है केसरिया रंग होता है, गहरा केसरिया रंग होता है। जो सैफरन कलर है उसके जो बीच वाला यानी मिडिल कलर है होता है वो सफेद रंग का होता है, और जो डाउन वाला है बॉटम कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। इसमें जो मिडिल में जो कलर होता है यानी व्हाइट कलर होता है, उसके बीच में एक साइकिल, एक चक्र बना होता है जिसमें 24 लाइनें होती है। ये जो 24 लाइनें का जो सिंबल है, ये सारनाथ के अशोक सिंह के स्तंभ पर एक चक्र बना हुआ है, जिसमें भी 24 लाइन बनाई गई है, बनी थी, उसी की कॉपी से लिया गया था वहां से। और हालांकि ऐसा बोलते हैं कि ये 24 घंटे मतलब को शो करता है, 24 आवर को शो करता है। फिर नेशनल फ्लैग है, उसकी जो लेंथ और ब्रिथ है इसका हमेशा याद रखें, ये 3:2 मतलब 3:2 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब यदि मीटर में यदि लेते हैं तो 3 मीटर, यदि लंबाई है तो 2 मीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ये जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को ही अडॉप्ट कर लिया था। उस संविधान सभा का जो हमारी कमेटी थी उसने इसको अडॉप्ट कर लिया था। इसमें जो केसरिया रंग है ये इसलिए लिया गया था क्योंकि जागृति को, स्वर को और त्याग को भी, कि भारत को आजाद कराने में काफी हमारे शहीदों को प्रयास करना पड़ा, तो इसलिए उसके सिंबल के लिए वो हमेशा याद रखें। जो सफेद रंग था वो सत्य, अहिंसा और पवित्रता के लिए, और जो ग्रीन कलर था वो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, समृद्धि हो, इसका सिंबल था, प्रतीक था। इसमें इसके लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिक और निजी संस्था इस नेशनल फ्लैग का उपयोग कर सकती है, उसका प्रदर्शन कर सकती है, अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग कर सकती है, लेकिन इसका अपमान कोई नहीं कर सकता। जनवरी 2004 में एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय, जिसके मुख्य न्यायाधीश B.N. खरे थे, उनकी अध्यक्षता में ये घोषणा किया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन जो राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय नागरिक उसे फहरा सकते हैं कभी भी किसी भी समय। इसके अलावा ये याद रखें कि राष्ट्रीय ध्वज को यदि राष्ट्रीय शोक यदि घोषणा कर दी जाती है तो उसे उस समय झुका दिया जाता है। अब वो किसी भी, चाहे कोई हमारे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कोई घटना घटी हो, या फिर भारत के अंदर ही कोई
ऐसी घटना घटी जो राष्ट्रीय शोक के लिए हो तो उसमें इसे झुका लिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनका यदि निधन हो जाता है जो वर्तमान में है तो इसके लिए राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिन तक झुका दिया जाता है। और यदि कोई पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 7 दिनों के लिए इसे झुका लिया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार जो है प्रदर्शन जब भारत आजाद हुआ था तब 14 अगस्त 1947 की रात को इसे फहराया गया। फर्स्ट टाइम से हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, सॉरी नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान, इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचित एक जनगणमन रचना थी और उसके द्वारा लिया गया था और इसे संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही अडॉप्ट किया गया था। इसमें टोटल इसका यदि टाइमिंग देखें तो 52 सेकंड में से गाया जाता है, लेकिन यदि उसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियों को यदि शॉर्ट में गाया जाए तो इसे मात्र 20 सेकंड लगते हैं। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण दत्त ने की थी, उसमें ये गाया गया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे 1912 में ईस्वी में तत्व बोधनी नाम की जो उनकी रचना थी उसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक नाम से इसे प्रकाशित कराया गया था। और फिर उन्होंने 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। राष्ट्रगान को हालांकि उस समय तो सिर्फ नॉर्मली गाया गया था, लेकिन इसको जो संगीतमय धुन देने का काम था हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाही राम सिंह ठाकुर जो उनका कैप्टन थे, उन्होंने इसे संगीतमय धुन दिया। चलिए नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में से लिया गया था। उन्होंने वहां पर वंदे मातरम के रूप में इसकी रचना की थी और इसे 26 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट कर लिया गया था। पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो 1896 यानी 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी, उसमें ये गाया गया था। इस नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत को गाने में 1 मिनट और 5 सेकंड लगते हैं, लेकिन नेशनल जो सॉन्ग है इसको गाने के लिए किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता, यह उसकी इच्छा पर ही डिपेंड करता है। और इसके अलावा याद रखेंगे कि हमारा जो भारतीय संसद है जब भी उसका अधिवेशन लगता है तो उसमें स्टार्ट में जनगणमन और उसका जो समापन है उसमें वंदे मातरम को गाया जाता है। और हमारे अनेक राज्यों की तरह हमारे मध्य प्रदेश राज्य ने भी इसे हर इंस्टीट्यूट में, स्पेशली स्कूलों में इसे अनिवार्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको कंटिन्यूअस मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।